नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आईटीआई की ऑटोमोबाइल ट्रेड्स के सिलेबस में एक टॉपिक है शीट मेटल वर्क। वैसे तो शीट मेटल वर्कर एक पूरी ट्रेड है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन ऑटोमोबाइल ट्रेड्स के सिलेबस में भी दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम शीट मेटल वर्क टॉपिक की स्टडी करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाली विभिन्न धातुओं की शीट्स के बारे में। शीट मेटल शॉप में निम्नलिखित प्रकार की शीट्स प्रयोग की जाती हैं: लोहे की शीट्स, टिन की शीट्स, जीआई शीट्स, तांबे की शीट्स, पीतल की शीट्स, शीशे की शीट्स, एल्यूमिनियम की शीट्स, स्टेनलेस स्टील की शीट्स इत्यादि। लोहे की शीट्स पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन की बनी होती हैं। इनमें कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसके कारण इन पर जल्दी जंग लग जाती है। इन शीटों का प्रयोग करने के बाद इन पर पेंट करने की आवश्यकता होती है। आयरन शीट का प्रयोग मुख्यतः टंकी, बाल्टी, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। आयरन की शीट को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ी हुई आयरन शीट को गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट कहा जाता है। इसके लिए आयरन शीट को पिघले हुए जिंक में डुबाकर उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की परत चढ़ी होने के कारण इस शीट पर जंग नहीं लगती एवं यह शीट खुली हवा एवं पानी के संपर्क से उत्पन्न प्रभाव को भी सहन कर लेती है। जिंक की शीट का प्रयोग पानी की टंकी, अनाज रखने की टंकी, वाहनों की बॉडी आदि बनाने में किया जाता है। जिंक के समान ही आयरन की शीट पर टिन की परत भी चढ़ाई जाती है। टिन की परत के कारण इन शीट्स पर जंग नहीं लगती। टिन की परत चढ़ी हुई आयरन शीट अधिक चमकदार एवं समतल होती है। आयरन शीट पर टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को टिनिंग कहा जाता है। टिन का प्रयोग खाने वाली वस्तुओं को रखने के डिब्बे बनाने, घर की छतों की फिटिंग्स आदि में होता है। तांबे की शीट्स आयरन शीट्स की तुलना में अधिक मुलायम, आघात वर्धनीय एवं लचकदार होती हैं। इसलिए इन्हें आसानी से किन्हीं भी आकार में मोड़ा जा सकता है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होने के कारण इनका प्रयोग गीजर, रेडिएटर आदि बनाने में किया जाता है। निकल एवं क्रोमियम को स्टील में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की क्षमता अधिक होती है। यह आघात वर्धनीय एवं संक्षारण रोधी भी होता है। स्टेनलेस स्टील पर हल्के अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। स्टेनलेस स्टील की चादरों का प्रयोग बर्तन बनाने, केमिकल प्लांट्स में, फूड प्रोसेसिंग में, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजार बनाने में किया जाता है। लेड की शीट्स लचीली होती हैं। इन पर एसिड का प्रभाव भी नहीं होता, इसलिए इनकी शीट्स का प्रयोग आयरन के टैंकों के अंदर लाइनिंग बनाने के लिए एवं फ्लश पाइप को बनाने में किया जाता है। आइए अब जानते हैं शीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले प्रमुख टूल्स एवं इक्विपमेंट्स के बारे में। शीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले टूल्स एवं इक्विपमेंट को मुख्यतः 6 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। मेजरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यानी मापने वाले औजार एवं उपकरण, मार्किंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यानी निशान लगाने वाले औजार एवं उपकरण, स्ट्राइकिंग टूल्स यानी चोट मारने वाले औजार, कटिंग टूल्स यानी काटने वाले औजार, पियर्सिंग टूल्स यानी छेद करने वाले औजार एवं बेंडिंग टूल्स यानी शीट को मोड़ने वाले औजार। मेजरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के रूप में मुख्यतः स्टील रूल, स्टील टैप, इंजीनियरिंग स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर, वायर गेज या शीट मेटल गेज का प्रयोग किया जाता है। इन टूल्स की स्टडी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन लिंक पर जाकर इन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। मार्किंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के रूप में मुख्यतः स्क्राइबर, डिवाइडर, पंच, ट्रेमल, विंग कंपास, स्क्रैच आउल का प्रयोग किया जाता है। विंग कंपास डिवाइडर की तरह ही एक मार्किंग टूल होता है। इसका प्रयोग शीट मेटल शॉप में मेटल की शीट पर सर्कल या आर्क बनाने में किया जाता है। स्क्रैच आउल स्क्राइबर के समान प्रयोग होने वाला एक मार्किंग टूल है। इसके एक सिरे पर लकड़ी का हैंडल फिट रहता है एवं दूसरा सिरा नुकीला रहता है। इसके नुकीले सिरे को 15 डिग्री से 20 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है तथा इसको हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। मार्किंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की स्टडी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं।
स्ट्राइकिंग टूल्स के रूप में मुख्यतः हैमर एवं मैलेट का प्रयोग किया जाता है। शीट मेटल शॉप में निम्नलिखित हैमर प्रयोग किए जाते हैं। हॉलोइंग हैमर, इसका प्रयोग भारी एवं मोटी शीटों को खोखला या उनमें गोलाकार गड्ढा बनाने के लिए किया जाता है। इस हैमर के दोनों फेस हाफ राउंड बॉल की तरह बने होते हैं व पॉलिश किए होते हैं। प्लैनिशिंग हैमर या स्मूथिंग हैमर का प्रयोग शीट मेटल की बनी हुई वस्तुओं को पीटकर प्लेन करने के लिए किया जाता है। इस हैमर के दोनों पिन फ्लैट होते हैं। रिवेटिंग हैमर का प्रयोग धातु चादर में रिवेटिंग हेड को फैलाने के लिए किया जाता है। क्रीजिंग हैमर का एक सिरा गोलाई में व दूसरा सिरा नाइफ एज जैसा होता है। इनका प्रयोग शीट के किनारों पर ग्रूव्स बनाने में होता है। स्ट्रेचिंग हैमर का प्रयोग शीट को फैलाकर उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। पिनिंग हैमर का प्रयोग शीट के ज्वाइंट को मजबूत करने में किया जाता है। इसके अलावा और जो हैमर प्रयोग होते हैं उनकी स्टडी भी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैलेट यानी सॉफ्ट हैमर मुख्यतः तांबा, पीतल, लेड, एल्यूमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, बैकेलाइट, लाइलॉन आदि के बने होते हैं। इनका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट मारकर उन्हें फिट करने, डेंट निकालने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कटिंग टूल्स के रूप में मुख्यतः स्निप, शियर, शियरिंग मशीन, चीजल आदि का प्रयोग किया जाता है। स्निप एक प्रकार की कैंची होती है जिसका प्रयोग धातु की शीट को काटने में किया जाता है। स्निप के द्वारा 1.2 मिलीमीटर तक की मोटी शीट को काटा जा सकता है। स्निप मुख्यतः हाई कार्बन स्टील की बनी होती है एवं इनकी कटिंग एज को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। स्निप के कटिंग ब्लेड्स को लगभग 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। स्निप बनावट के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट स्निप एवं बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप के ब्लेड सीधे होते हैं। स्ट्रेट स्निप का प्रयोग शीट को सीधा काटने एवं बड़ी त्रिज्या के कर्व को काटने में किया जाता है। बेंट स्निप के कटिंग ब्लेड अर्ध गोलाकार आकृति में बने होते हैं। बेंट स्निप का प्रयोग शीट को कर्व में काटने में किया जाता है। 1.2 mm से अधिक मोटी शीट को काटने के लिए शीयर का प्रयोग किया जाता है। शीयर के कटिंग ब्लेड को 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। कार्य के अनुसार शीयर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, स्टॉक शीयर, ब्लॉक शीयर एवं बेंच शीयर। स्टॉक शीयर का आकार स्ट्रेट स्निप की तरह लेकिन बड़ा होता है। इसके द्वारा धातु की बड़ी चादरों को कम समय में काटा जा सकता है। ब्लॉक शीयर की एक टांग स्टॉक शीयर की तरह लंबी परंतु दूसरी टांग छोटी तथा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है। शीयर की इस छोटी टांग को वाइस या अन्य किसी साधन में पकड़कर लंबी टांग को दबाकर धातु की चादर को काटते हैं। बेंच शीयर को वर्क बेंच पर नट बोल्ट की सहायता से पकड़कर फिक्स किया जाता है। बेंच शीयर का एक ब्लेड बेस के साथ फिक्स रहता है जबकि दूसरा ब्लेड एक पिवेट के साथ जुड़ा रहता है। इस ब्लेड को दबाव के साथ नीचे लाने के लिए एक लंबा एवं भारी हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को शीयर लीवर कहते हैं। इस शीयर लीवर को नीचे लाने पर ब्लेड पिवेट पर घूमता हुआ नीचे आता है तथा काटने की प्रक्रिया करता है। इस शीयर के द्वारा 1/4 inch से 3/8 inch तक मोटी चादरों को काटा जा सकता है। इसे लीवर शीयर भी कहा जाता है। मास प्रोडक्शन के लिए शीयरिंग मशीन या कटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलती है। इसके द्वारा आयताकार, वृत्ताकार आदि किसी भी आकार में शीट को बड़ी सरलता से काटा जा सकता है। चीजल की डिटेल्ड स्टडी भी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। पियर्सिंग टूल्स के रूप में मुख्यतः पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच की डिटेल्ड स्टडी भी हम हमारे पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, इन वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। बेंडिंग टूल्स यानी शीट को मोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले टूल्स के रूप में मुख्यतः स्टैक का प्रयोग किया जाता है। चादरों को किसी विशेष आकार में मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष सपोर्ट ही स्टैक कहलाता है। शीट मेटल शॉप में मुख्यतः निम्न प्रकार के स्टैक्स का प्रयोग किया जाता है। राउंड बॉटम स्टैक, इस स्टैक का निचला भाग राउंड यानी गोल होता है एवं इस राउंड बॉटम का ऊपरी भाग फ्लैट होता है। शीट्स को गोल मोड़ने के लिए इस स्टैक का प्रयोग किया जाता है। बीक आयरन स्टैक की संरचना एनविल की तरह होती है। इसमें एक तरफ शंकु यानी कोण की आकृति का एक सींग होता है तथा दूसरी तरफ समतल आधार होता है।
इस कॉनिकल हॉर्न का प्रयोग करके शीट को फनल आकार में मोड़ा जाता है एवं रिवेटिंग, स्ट्रेटनिंग आदि क्रियाओं के लिए फ्लेट बैस का प्रयोग किया जाता है। हैचेट स्टैक का ऊपरी भाग चाकू के समान सीधा एवं एक तरफ थोड़ा टैपर होता है। इसका प्रयोग धातु की चादर को बिल्कुल सीधी लाइन में मोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रे अथवा डिब्बे आदि बनाने के लिए धातु चादरों को हैचेट स्टैक द्वारा मोड़ा जाता है। हाफ मून स्टैक ऊपर से अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर होता है। शीट को अर्धवृत्ताकार मोड़ने के लिए इस स्टैक का प्रयोग किया जाता है। फनल स्टैक का आकार फनल जैसा होता है। इसका एक सिरा अर्धवृत्ताकार एवं दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसका प्रयोग शंकु आकार की वस्तुओं में जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। प्लेनिशिंग एनविल स्टैक का ऊपरी भाग समतल होता है। इस स्टैक का प्रयोग जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें होल करने के लिए किया जाता है। क्रीजिंग आयरन स्टैक के हेड पर खांचे बने होते हैं। यह खांचे अलग अलग साइज के होते हैं। इन स्टैक का प्रयोग चादरों को पाइपों की तरह गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। हॉर्स स्टैक के दोनों सिरों पर वर्गाकार होल्स बने होते हैं। जॉब को उचित आकार प्रदान करने के लिए इन होल्स में अन्य छोटे औजार अथवा स्टेट फिट किए जाते हैं। इनके अलावा शीट को मोड़ने के लिए फ्लाई प्रेस एवं फोल्डिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। फ्लाई प्रेस एक ऐसी वेल्डिंग मशीन है जिसके बेस पर कार्य के अनुसार एक निश्चित कोण पर तैयार की गई डाइज फिट कर दी जाती है, जिससे हैंडल घुमाने पर नीचे रखी शीट मुड़ जाती है। फोल्डिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा लंबी एवं मोटी शीट्स को विभिन्न आकारों में आसानी से मोड़ा जा सकता है। आइए अब जानते हैं शीट मेटल में प्रयोग होने वाले प्रमुख ज्वाइंट्स के बारे में। शीट मेटल में मुख्यतः दो प्रकार के ज्वाइंट्स प्रयोग किए जाते हैं, हेम एवं सीम। शीट के किनारे तेज धार वाले होते हैं एवं इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, अतः शीट के किनारों को मजबूती प्रदान करने एवं उनके किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें मोड़ दिया जाता है। इन मोड़े हुए किनारों को ही हेम कहते हैं। जब दो शीट्स को आपस में जोड़ा जाता है तब शीट्स के किनारों को जोड़ने के लिए किनारों पर सीम बनाई जाती है। इनमें जोड़ी जाने वाली शीट्स के किनारों को विशेष प्रकार से मोड़कर आपस में फंसा दिया जाता है। हेम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल हेम, डबल हेम एवं वायर्ड हेम। शीट को एक बार मोड़कर बनाई गई हेम सिंगल हेम कहलाती है। यह हेम मुख्यतः मोटी शीटों में प्रयोग की जाती है। पतली शीटों द्वारा बनाए गए जॉब में जब किनारों को दो बार मोड़ा जाता है तो इसे डबल हेम कहते हैं। जॉब को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए शीट में किनारे पर एक माइल्ड स्टील का तार लपेट दिया जाता है। यह वायर्ड हेम कहलाती है। मेटल शीट के किनारों को आपस में जोड़ने के लिए प्रायः निम्नलिखित प्रकार की सीम प्रयोग की जाती है, लैप सीम, ग्रूव्ड सीम, सिंगल सीम, डबल सीम एवं डबल ग्रूव्ड सीम। सबसे आसान प्रकार का जोड़ लैप सीम द्वारा बनाया जाता है। इसमें जोड़े जाने वाले किनारों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अथवा एक दूसरे में फंसाकर सोल्डरिंग अथवा ब्रेजिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। ग्रूव्ड सीम में शीट के दोनों किनारों को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वे आपस में फंस जाएं। इसके बाद एक ग्रूवर के द्वारा ज्वाइंट को लॉक कर दिया जाता है। सिंगल सीम का प्रयोग बाल्टी अथवा डिब्बों आदि में तली लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस जोड़ को पेंट डाउन जोड़ भी कहते हैं। इस जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए उसे सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। डबल सीम ज्वाइंट में शीट को दो बार मोड़ा जाता है, इससे इस ज्वाइंट की मजबूती और अधिक बढ़ जाती है। डबल ग्रूव्ड सीम बनाने के लिए शीट्स के किनारों को मोड़कर उन्हें एक अन्य मुड़ी हुई शीट में फंसा दिया जाता है। इस जॉइंट को छतों के लिए तथा पैनलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शीट्स में सीम बनाने के बाद उसे ठीक से लॉक करने के लिए हैंड ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि नॉच क्या होती है। जब शीट से कोई भी कंटेनर बनाया जाता है तो शीट को किनारों से मोड़ने पर शीट आपस में ओवरलैप करती है, इसलिए ऐसे स्थान से शीट का कुछ टुकड़ा काटकर अलग कर दिया जाता है, जिसे नॉच कहते हैं। नॉच बनाने पर जॉब का आकार ठीक बनता है। शीट मेटल में मुख्यतः निम्न प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट नॉच, स्क्वायर नॉच, स्लेंट नॉच, वी नॉच एवं वायर नॉच। स्ट्रेट नॉच को स्लिट भी कहते हैं। शीट के किनारों को मोड़ने से पहले जिस लाइन पर उन्हें मोड़ना होता है उस पर एक सीधा कट लगा दिया जाता है, इसे ही स्ट्रेट नॉच कहते हैं। किसी वर्गाकार अथवा आयताकार डिब्बे के किनारों को
90 डिग्री पर मोड़ने के लिए उसके कोनों पर स्क्वायर नोच काटी जाती है। शीट के किनारों को 45 डिग्री पर तिरछा काटकर यह स्लेंट नोच बनाई जाती है। जहां सिंगल हेम को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है, वहां पर इस स्लेंट नोच का प्रयोग किया जाता है। बेंडिंग लाइन से 45 डिग्री पर दोनों साइड काटकर वी नोच बनाई जाती है। इसका उपयोग 90 डिग्री पर मुड़े हुए फ्लेंजों को मोड़ने के लिए किया जाता है। वायर नोच का उपयोग वायर्ड एजेस को ओवरलैप होने से बचाने के लिए किया जाता है। वायर नोच बनाने के लिए सिरे से वायर के व्यास की 3 गुना दूरी छोड़कर 30 डिग्री पर कट लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेट के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, रिवेटिंग ज्वाइंट्स एवं रिवेटिंग टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे।